हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो जैसे कि आप लोग सबको पता लग चुका होगा कि मैं पहुँच गई हूँ सोलन, एंड आजकल चले हैं सावन का महीना। तो सावन के महीने में कहते हैं कि मेहंदी मुंदी लगाना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। कुंवारी लड़की लगाए तो उनको अच्छा दूल्हा मिल जाता है, और जो शादीशुदा भी लगाते हैं तो सुहाग के लिए अच्छा है, ऐसा मानते हैं सारे लोग। तो आज मैं, मेरी आंटी, मेरी पड़ोसी, मेरी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ साथ में, तो हमारा आज का प्रोग्राम है मेहंदी लगाने का। अब मैं आपके सामने लगाएंगे मेहंदी, आप लोगों ने फिर कमेंट करके बताना कि किसकी मेहंदी सबसे अच्छी लगी है और किसकी नहीं। तो लेट स्टार्ट आर वीडियो फ्रॉम हेयर। ऐसे नाचते हैं, नाचते जहाँ कुछ भी जाते हैं, अंदर साइड तो बहुत चलता है सर। ये हो गई है हमारी आंटी जी के हाथ की मेहंदी, जिसको मैंने कॉपी किया था यहाँ से। अब मैं ये दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ की डिजाइन क्या लगाऊंगी? ये फिर सेम जैसा हो जाएगा ना जैसे ये। तो जो नेक्स्ट मेहंदी आंटी के हाथ में ये लगाएंगे, पर इसमें हम जो सर्कल वाला यही लगाएंगे, जो अंगुलियों में इतना सारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आंटी को इतना अच्छा नहीं लगता है वाला डिजाइन वो हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम ये वाला डिजाइन लगाएंगे, नहीं हम मिक्स कर लेंगे उसका और इसका दोनों, ठीक है? थोड़ा इसका थोड़ा उसका, उंगलियों में मिक्स कर रही हूँ, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे उंगलियों में। अंजलियां जी ने बोला कि मैंने बेस नहीं बनाया उसका तो अब मैं बेस बना रही हूँ। ये मुझे पहली बार पता लगा कि ऐसे बेस वाला भी कोई सीन होता है। ये बन रहा है बेस। सीन तो बहुत सारे होते हैं यार आंटी, हम ठहरे किनारे मेहंदी ले आते हैं, हम ऐसे ही आप ठहरे सिर मोरी। हमारे मेहंदी लगा दे बस, बिन बेस के बात नहीं बनेगी, जैसा मर्जी लगाओ। ये देखो मेरे पैर में ना एक बच्ची ने खेल दिया कसम से, मेहंदी मेहंदी मैं मेहंदी लगाऊंगी, देखो कितना आंटी जी एजो का क्यों मच्छर ये क्या किया आंटी आपने? ओ सॉरी यार, ये मच्छर क्या हो गया? आपने ऐसे कर दिया? ईमानदारी से बोलो ना, यहाँ पर अच्छा लग जाएगा, टेंशन नहीं लो। बहुत थक भी गए बस। वैसे आंटी का हो गया है, बस उंगलियों में थोड़ा थोड़ा भरना है, क्योंकि आंटी को भरी हुई उंगलियाँ बहुत अच्छी लगती है। और मेहंदी हो गया, थोड़ा थोड़ा खराब भी कर दिया आंटी ने ऐसे ऐसे, तो क्या आंटी चलेगा। और लगी है आंटी जी की मेहंदी, और आंटी जी पूछती है आंटी को कैसी लगी, आंटी कैसी लगी आपको डिजाइन? बहुत अच्छा, मैंने कोशिश की जैसा था वैसा लगा। बहुत अच्छा। इस वाले में तो मैंने पहले एक डिजाइन का फिर दूसरे डिजाइन का ऐसे मिक्स मिक्स कर लगा लिया, बट चलो लगा लिया, लग तो अच्छी रही है। और अब हमारे दूसरी फ्रेंड की बारी है, इनके हाथ में लगानी मेहंदी, उन्होंने भी अपना डिजाइन चूज कर लिया है। आंटी बहुत थक गए मेहंदी लगा के, और क्योंकि ये पूरा दिन कुर्सी में बैठे थे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बैक पेन भी है, तो वो लेट गए। अब हम इनकी लगाते हैं मेहंदी, निकालो डिजाइन। आपने अंदर नहीं पैक में लगाना? ओके,
तो इनको लगानी है ये वाली डिजाइन। तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा लगाऊं, एग्जैक्टली तो नहीं लग सकती। निकिता के हाथ में लग गई है मेहंदी। इसने ये वाला डिजाइन ना छोटा ही मांगा था, तो मैंने छोटा ही डाला। उसमें थोड़ा बड़ा था, इसने बोला नहीं मेरे को छोटा डालना। तो आपको भी डालना है क्या? बोला क्या आंटी? बेस। बेस देना है कोई? दे दो। बेस को बेस तो भूल गए आंटी। मेरी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। सिरमौरी को बेस पसंद है। और हाँ, जो मेरे साथ तीनों है ना, तीनों सिरमौरी के। मैकिनॉट। निकिता ने बोला कि मैं थक जाऊंगी, तो इन्होंने कोई अपनी डिजाइन डिमांड नहीं रखी। इन्होंने बोला जैसा आंटी को लगाया वैसा लगा दो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसा वैसा कुछ लगाऊं। सेम सेम तो बिल्कुल नहीं लगता मुझसे। तो एक आंटी जी और एक निकिता की मेहंदी लग चुकी है। इन दोनों की मेहंदी कैसी है मुझे कमेंट करके बताना। इनका नाम निकिता है और ये हमारी आंटी जी है। तो अब बारी है हमारी कैमरामैन। तो कैमरामैन बारी है, उसकी तो डिमांड है कि उसने इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। ऐसे क्या लगाना है? ओके आंटी जी जा रहे हैं। आंटी को भगाने पे लगी है। बच्चे बोली जा रही है आंटी, मुझे आंटी आप जा रहे हो। एक्चुअली आंटी को सुबह उठना भी है और उनको स्कूल भी जाना है, इसलिए हम आंटी आपको सो जाना चाहिए। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय। आप जाओगे? बाय निकली। बाय तो कर करी जाओ। बाय बाय। थैंक यू। तो मेहंदी सूखने देती भी जाते। इन्होंने बाहर घूमना होगा। बाहर से है। अच्छा, आप तो बाहर से। हाँ। बाहर से इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है आंटी जी। बाय बाय। कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय निकली। सबका लगा दिया। आंटी चली गई, वो चली गई। अब बच्चे मैं और पीयू हम दोनों लगाते। पहले मैं और पीयू का लगा देते। पीयू को हाथ में एक डिजाइन जो उसने सोचा हुआ है कुछ डिजाइन, वो बना के बाद में दिखाती हूँ। एंड अंदर क्या लगाना है? वही ओम वाला। अंदर इसमें ओम का कुछ बनाना है, वो देखना पड़ेगा। तो पहले पहले अंदर लगाना पड़ेगा पीयू। बाद में छूना। ठीक है, तो अंदर आपको एक त्रिशूल सा लगाना है और पीछे फ्लावर डिजाइन। तो पीहू को अपने हाथ में बीच में सेंटर में ओम लिखवाना था और साइड में कुछ ऐसे बनाना था, तो इसका हो गया है। और इसने बैक में लगाना है, बैक हाथ दिखाओ। उसके लिए कौन सा बनाना है? उसने एक डिज़ाइन चूज करा है, उस तरीके का बना देंगे। एंड होगी हमारी मेहंदी टर्न। इसकी लगी यहाँ पे और यहाँ पे। अब बारी है मेरी। पहली बार मेरे हाथ में मतलब कोई और लगा रहा है, मतलब ऐसे ना कोई फ्रेंड फोन लगाते हैं ना, तो मैं हमेशा क्या करता ना, मैं ही लगा दिया था। आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं पीयू के हाथ वाली मेरे हाथ में मेहंदी, मुझे नहीं पता कि लड़की कैसे पहनेगी। और हमारी मेहंदी लग चुकी है। अब रात के बज रहे हैं 12:30। हम लोग 9 बजे से लगे थे मेहंदी लगाते लगाते, 12:30 बज गए। अब हम सोते हैं, बाकी मैं सुबह दिखाऊंगी आप लोगों की सबकी मेहंदी किस तरीके की लगी हुई है और किसकी सबसे अच्छी चढ़ी हुई रंग। तो अभी सोते हम, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। बाय।
मेरी मेहंदी सूख गई थी, उसके बाद मैंने ऑयल लगाया। अब मैं इसको करूँगी वॉश, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा कलर आया। और धोने के बाद हमारी मेहंदी प्यू की ऐसी मेहंदी, पीछे दिखाओ, अभी अच्छे से रंग आया नहीं इसका, क्योंकि ऊपर मेहंदी की खासियत है कि थोड़ी देर बाद इसका रंग डार्क डार्क होता जाएगा। और ये रही मेरी मेहंदी, अभी तो रंग इतना लाइट है। और आंटी की मेहंदी इतनी अच्छी रची है ना हमारी, देखो और आंटी की देखो, वाह आंटी।